हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एबी स्विच का रोटर जो है पहले से लगा हुआ था उसको चेंज करना है। आउटेज में शटडाउन लेके उसको हम लोग फिक्स करेगा लगाएगा, कैसे लगा रहा है उसको देखेंगे। आउटेज में हम लोग को पहले सेफ्टी जोन बनाना है। ये हो गया आपका नियॉन टेस्टर है, नियॉन टेस्टर का मशीन है। मशीन में देखिए ये 240 वोल्ट है, 11 के भी है, 33 है, और सबसे पहले जो है कि ऑफ लिखा है, मतलब ये मशीन का स्विच है, ऑफ ऑन करना है। उसके बाद टेस्ट है, अभी जो स्विच को घुमा रहे टेस्ट तरफ, देखिए ये टेस्ट तरफ घूम गया और टेस्ट में लाइट आ गया है और बजर बज रहा है। जैसे बजर बजेगा कंटिन्यू उसको समझना है कि ये मशीन ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 240 में पहले लगा के उसको चेक करेंगे। अभी चेक करने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे स्पाइक रोड, डिस्चार्ज रोड सब मौजूद रखे हैं साइट में। स्पाइक रोड जो है देख रहे हैं, स्पाइक रोड ये ऊपर में है, वो नीचे मिट्टी हार्ड है इसलिए जा नहीं पाए। एक्चुअली 1.5 मीटर तक नीचे जाना चाहिए यहाँ पे। अभी नियॉन टेस्टर से अभी चेक हो रहा है। देखिए यहाँ पे हाथ में रबर ग्लोव्स है, पहले ST11 का भी को चेक कर दिया, अभी जो है LB लोअर टेंशन को चेक कर रहा है LT में। अभी चेक होने गया, हो गया आपका आउटेज कंफर्मेशन मिलने के बाद। अभी डिस्चार्ज रॉड इनकमिंग आउटगोइंग में डाल दिया है। कभी भी आउटेज में सेफ्टी जोन बनाना है तो दोनों तरफ इनकमिंग और आउटगोइंग तरफ दोनों डाल के सेफ्टी जोन बनाना है। 11 के भी तरफ डिस्चार्ज रोड डाल दिया और LT में आपका ये जो LTDB बॉक्स देख रहा है इसमें क्रोकोडाइल लगा हुआ है। क्रोकोडाइल में आप देखिए RYB न्यूट्रल चारों लगा हुआ है और नीचे अर्थिंग हुआ है। सब होने के बाद आपका आउटेज में आपका सेफ्टी जोन बन गया। LT में क्रोकोडाइल लगा दिए। अभी जो पेपर वर्क है लाइनमैन ट्रांसफ़र फॉर्म करके है PTW, उसको फिलअप हो रहा है। फिलअप होने के बाद यहाँ पे देखिए इस जगह में ए पोजीशन में हम लोग को काम करना है और AB स्विच को, पुराना AB स्विच को चेंज करके, वो AB स्विच का तो पूरा बेस है, उसका जो रोटर है देख रहा है यहाँ पे रोटर, ये नया वाला रोटर है, वो पुराना वाला रोटर जो है उसको चेंज करके यही नया AB स्विच का जो रोटर है हाथ में देख रहे हैं लाइनमैन का हाथ में है नया AB स्विच रोटर, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे लगाएंगे। ये हो गया आपका पुराना रोटर जो टूटा हुआ था, ब्रोकन हो गया, मतलब उसका जो एक्सिल है रोटर का वो टूट गया है, इसलिए उसको हम लोग मतलब कैसे भी तो लगाना पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो AB स्विच घूमेगा नहीं, AB स्विच काम करेगा नहीं, इसलिए उसको चेंज करके रिप्लेस करना पड़ेगा। ये AB स्विच जो है 200 एम्पियर का 11 के भी AB स्विच है, दो टाइप का रहता है, 200 एम्पियर है, 400 एम्पियर भी रहता है। ये 200 एम्पियर हम लोग यूज करेगा और यहाँ पे जो दिखा रहा है यही पोजीशन में पुराना टूटा है और ये नया वाला है, इसी को लगाने लिए ऊपर जाएगा लाइनमैन। अब पहले से उसको क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। अब मटेरियल रेडी है, आउटेज भी हो गया है, डिस्चार्ज और डाल दिया है, LT में क्रोकोडाइल भी डाल दिया, सब कुछ रेडी है, लाइनमैन रेडी है। अभी क्या है कि ऊपर जाके लाइनमैन काम करेगा, सेफ्टी में काम करने का है। अभी देख रहा है DP में आपका लैडर लगा चुका है। अभी यहाँ पे वेल्डर भी खड़े हैं, लाइनमैन भी खड़े हैं। अभी ये जो पोजीशन देख रहे हैं DP, ये DP का पास काम होगा। और यहाँ पर देखिए डिस्चार्ज रॉड का कुछ मतलब टेस्ट कर रहा था कि सही से लगा कि नहीं, उसको चेक कर दिया। यहाँ पर देखिए अभी लाइनमैन ऊपर एंकरिंग करके ऊपर तक जा रहा है DP में AB स्विच तक। रोटर चेंजेस करने के लिए लाइनमैन को आधा घंटा से एक घंटा तक अंदर में वो ख़त्म करके नीचे उतर जाएगा। अभी यहाँ पर फाटिंग फ्लैट का काम चल रहा है, अर्थिंग फ्लैट जो कि LA का अर्थिंग फ्लैट कुछ रह गया था, उसको LA का अर्थिंग के लिए मेजरमेंट ऊपर से लेके नीचे से फ्लैट को वेल्डिंग करके काट के उसको वहाँ तक पहुँचा के उसको लगा के करेगा।
यहाँ पर अर्थिंग फ्लैट के लिए वेल्डर के पास मशीन है, उसका हाथ में देखिए हैंड ग्लोव्स है, अप्रोन भी पहन करके रखा है, सब चीज़ जो है वो सेफ्टी में कर रहा है ताकि ये मतलब सेफ्टी का इशू कुछ नहीं है, कोई भी करे सही से करना है, गॉगल्स लगा के भी कर रहा है। अब यहाँ पे लाइनमैन का काम हो चुका है, ऊपर रोटर लगा दिया है, अभी नीचे उतरेगा, अभी वहाँ तक तो हम देखा नहीं पा रहे। अब यहाँ पर देखिए फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, जो कि जब भी काम चलता है वेल्डिंग का कि गैस कटिंग का काम चलता है। अब हमारा यहाँ पर डीपी में काम हो चुका है, रोटर का लगा दिया है, अर्थिंग भी हो चुका है। अभी हम लोग जो है आउटेज को रिटर्न करेंगे, रिटर्न करके काम को कंप्लीट कर दिया है। तब तक रहता हूँ, सबको नमस्कार।